फ्रेंड्स 2024 में यूट्यूबर बनना थोड़ा सा और टफ हो गया। अब बोलोगे कैसे भाई, तो 2024 में यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी को थोड़ा अपडेट कर दिया है, उसका जो चेंजिंग है कर दिया है और उसमें एक नई अपडेट लाई है जिसके माध्यम से हम लोगों को थोड़ा और यूट्यूब में सेटिंग करना होगा, तब हम मोनेटाइजेशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। अगर उस अपडेट को हम नहीं करते हैं, वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, पॉलिसी को हम नहीं देखते हैं, तो क्या होगा कि हमारा चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो पाएगा, मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। तो आज हम आपको लेके चलते हैं कि यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उस सेक्शन में, और आपको बताने वाले हैं कि यूट्यूब जो चैनल मोनेटाइज के लिए नई सेक्शन लाई है, नई पॉलिसी लाई है, जो अपडेट किया है 2024 में नया वर्जन में, उसमें क्या ऐड किया है, ये हम बताने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मोनेटाइजेशन पॉलिसी में। फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पे देख पाएंगे कि चैनल मोनेटाइजेशन का पॉलिसी टोटल जो पहले के समय में था वो चैनल मोनेटाइजेशन का 5 पॉलिसी था, लेकिन अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया, तो अभी बढ़ा के इसमें 6 पॉलिसी कर दिया गया। अब इसमें ऐड क्या किया वो चीज़ हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं, लेकिन अब वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो पहला है फ्रेंड्स वो ये है कि पहला जो है वो मेन थीम देखता है, कि आपका जो वीडियो बनाने का है वो मेन थीम क्या है, आप किस थीम पे काम करते हैं, यूट्यूब चैनल पे किस कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी है मोस्ट व्यूड वीडियोज, यानी कि आपका जो सबसे ज़्यादा व्यू गया है वो कौन सा वीडियो में गया है, आप जो सबसे ज़्यादा व्यू गया है कहीं आप उसमें स्पैम तो नहीं किए हैं, मान के चलिए कि वीडियो आपका कुछ और है और आप थंबनेल में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में कुछ और लगा दिए हैं, तो उसको चेक करता है कि टाइटल वगैरह उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है। तीसरा जो है वो है न्यूएस्ट वीडियो, आप जो नया वीडियो है वो कैसा है, किस टाइप का वीडियो बना रहे हैं, एक तो देखता है फर्स्ट टाइम का वीडियो, एक तो देखता है लास्ट टाइम जो आप शुरू लास्ट में अपलोड किए हैं, आप जो जिस टाइप का शुरू में वीडियो बना रहे थे वही टाइप का तो वीडियो है ना। अगर आप कैटेगरी चेंज कर दिए, आपका कैटेगरी कुछ और है, शुरू में कुछ और बना रहे थे, आप लास्ट में कोई और वीडियो डाल दिए व्यू जाने के लिए, तो ये चीज भी यूट्यूब जो है वो बारीकी से चेक करता है। उसके बाद जो है वो है नेक्स्ट, वो है बिगेस्ट, यहाँ पे देख पाएंगे कि बिगेस्ट वॉच टाइम वाला वीडियो जो है यहाँ पे ये भी देखता है कि जो आपका सबसे ज़्यादा वॉच टाइम है वो यूट्यूब में कहाँ से आया है, कहीं आप स्पैम तरीका से तो वॉच टाइम नहीं ना गेन किए हुए हैं अपना चैनल में और मोनेटाइजेशन के लिए तो नहीं ना अप्लाई कर दिए, ये चीज़ भी यूट्यूब बारीकी से देखता है। जो नेक्स्ट है फ्रेंड वो ये है कि वीडियो मेटा डाटा, क्या है फ्रेंड्स, वीडियो मेटा डाटा, यानी कि आपका जैसा वीडियो है वही थंबनेल रहना चाहिए, वही आपका डिस्क्रिप्शन रहना चाहिए, वही टाइटल रहना चाहिए, कहीं आपका वीडियो कुछ और है और थंबनेल कुछ वैसा सेक्सुअल रिलेटेड लगा दिए, तो देखते होंगे इस तरह का थंबनेल लगा दिया जाता है, या तो फिर आप मार धाड़ खून खराबा जो यूट्यूब पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, आप वैसा थंबनेल लगा दिए, वैसा डिस्क्रिप्शन डाल दिए, टैग वैसा लगा दिए, तो ये चीज़ भी जो है बारीकी से यूट्यूब देखता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रेंड वो जो ऐड किया हुआ है यूट्यूब अपना मोनेटाइजेशन पॉलिसी में, ये है अबाउट सेक्शन, चैनल का अबाउट सेक्शन में वो क्या किया है, अपडेट किया है। अभी के समय में फ्रेंड्स आपको अबाउट सेक्शन भी बढ़िया से लिखना होगा, पहले अबाउट सेक्शन को मोनेटाइजेशन से कोई संबंध नहीं था, वैसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन अभी के समय में आपका यूट्यूब चैनल का सारा चीज़ जो है वो अबाउट सेक्शन में लिख के रखना होता है, आपका चैनल क्या है, कैसा है, किस तरह का वीडियो बनाते हैं, उसमें आपको लिंक डालना होगा, अपना ईमेल आईडी डालना होगा, आप चैनल वाला ईमेल आईडी नहीं डालना है, कुछ दूसरा ईमेल आईडी डालना है जिससे आपको यूट्यूब कॉन्टैक्ट कर सके, या तो कोई भी आदमी आपको कॉन्टैक्ट कर सके, वैसा मेल आईडी डालना है, अपना कुछ अलग सोशल मीडिया का लिंक डाल के रखना है, अपने चैनल के बारे में लिख के रखना है, तो ये अबाउट सेक्शन जो है वो यूट्यूब जो है नया अपडेट किया है।